थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट एक इंसान की जिंदगी कितनी बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक अंबर भाई की, जिनसे मेरी 6 माह पहले मुलाकात होती है और वो मुझे अपने बालों की कंडीशन बताते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है, बिना कोई साइड इफेक्ट के 6 महीने में बाल आ सकते। तो उनके भी मन में ये क्वेश्चन था कि अंबानी, अनुपम खेर और भी सेलिब्रिटी गंजे क्यों हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि राजपाल यादव, CID से दया, बोनी कपूर, इनके सर पर बाल कैसे आ गए। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक स्वस्थ इंसान ही करा सकता है, यही कारण है कि किसी ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो किसी ने नहीं कराया। आज मैं आपको बताता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। इस प्रोसीजर में आपकी बॉडी से आपके बालों को निकाला जाता है और उस जगह पर लगा दिया जाता है जहाँ पर गंजापन है। और इस प्रोसीजर में कितना खर्चा आ जाता है, तो ये समझ लो कि आप 30,000 से लेके 1,40,000 तक के बीच में खर्चा जाता है यदि आप किसी जिनाइन क्लिनिक से अपना काम कराते हो। तो सोशल मीडिया का जमाना है, यदि सर पर बाल नहीं है तो पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारी कॉन्फिडेंस पर भी। तो समाज का नजरिया हमारे लिए कहीं ना कहीं बदल जाता है, मगर बाल वापस लाने का बस लास्ट ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हेयर ट्रांसप्लांट। मगर एक मुसीबत और सामने आती है कि इंडिया में कई ऐसे क्लिनिक हैं कि जो बहुत सस्ता ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और कई बहुत महंगा कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि हम जाएं कहां और किस डॉक्टर से हम अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। इंडिया में कई ऐसे क्लिनिक हैं जहां पर टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन क्या होते हैं? टेक्नीशियन जो डॉक्टर के सपोर्ट में OT में काम करते हैं, वो जब क्लिनिक को छोड़ते हैं तो वो अपना क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, तो टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देते हैं। वो इतना हमारे लिए सेफ नहीं होता है और हेयर ट्रांसप्लांट का वो कॉस्ट भी बहुत कम लेते हैं। इसलिए अंबर भाई ने एक डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया, जिनका रिजल्ट आपके सामने ही है। अब वो डॉक्टर कौन है उनके बारे में हम पूरा जानते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल का एक क्लिनिक हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक है, जहाँ पर डॉक्टर अंकित जैन है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इन्हीं डॉक्टर ने ही आज के 6 महीने पहले अंबर भाई का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। हेयर ट्रांसप्लांट तो लगभग सभी डॉक्टर कर देते हैं, बाकी इसका रिजल्ट 6 महीने बाद आता है। तो इसमें हमें जानना जरूरी है कि आखिर डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर कितने टाइम से काम कर रहे हैं, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, कितने लोगों के वो रिजल्ट लेकर आए हैं। तो सारी चीज़ों को हमें पहले जानना है, फिर उसके बाद ही हमें फैसला लेना है कि हमें किस हॉस्पिटल से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और वो हॉस्पिटल जिनाइन है कि नहीं। तो अब हम जानते हैं डॉक्टर अंकित जैन के बारे में। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर से कम्प्लीट की, जहाँ का एक कॉलेज MGM कॉलेज है, जहाँ पर इन्होंने अपना MBBS कम्प्लीट किया। फिर इसके बाद ये गोवा चले जाते हैं, जहाँ पर ये डर्मेटोलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। फिर इसके बाद ये हेयर फ्री हेयर ग्रो में जुड़ जाते हैं। हेयर फ्री की इंडिया में लगभग 8 ब्रांचेस हैं, वहाँ पर ये कई सालों तक हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसके बाद इनका ब्रांच फाइनली 2019 में भोपाल में स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये आज तक हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और यहाँ पर कई पेशेंट हैं ऐसे जिनका हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो आपको डॉक्टर के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना कितना सेफ है। तो आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहो तो यहाँ पर जाकर आप बेझिझक होकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। आपको इसी चैनल पर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और भी अपडेट मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में।